जंप पूरा ड्रोन पार्ट कि क्या क्या हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। सो ट्रेनिंग ले रहे हो, चीज़ों को सीख रहे हो, तो बड़ी कंपनी जो फेसबुक है उसने अपना ऐप लॉन्च किया, तो उसके लिए कोई ट्रेनिंग अटेंड की थी? No. कोई वर्कशॉप अटेंड की थी? No, ठीक है, कि कैसे फ्रेंड रिक्वेस्ट देते हैं, कैसे किसी को ब्लॉक करते हैं, ठीक है। तो जब इतनी बड़ी कंपनी कोई सॉफ्टवेयर लॉन्च कर रही है जिसके लिए आपने ट्रेनिंग नहीं ली, ठीक है, तो उसी तरीके से हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि यार अगर आप एक टेक्नोलॉजी सीख लेते हो तो किस तरीके से आप अपने लाइफ में ग्रोथ करते हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, ठीक है। आपको हर बार वर्कशॉप और ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, आपको गाइडेंस की जरूरत है, मेंटोर की जरूरत है एंड प्रोजेक्ट्स की जरूरत है जिससे आपकी नॉलेज को बढ़ाता है, ठीक है। तो इसी कंपनी में हमारा बेस है, ताकि हम मेंटर असाइन कर सकें, ठीक है। कहीं ना कहीं हमें पता होता है कि इसकी जर्नी किसी ना किसी की जर्नी से
से मैच करती है, ठीक है, तो आप हमारा ऐप यूज कर सकते हो और आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपकी जर्नी किस एक ऐसे बंदे से मैच करती है जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में प्रेजेंट है, ठीक है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जो हम देते हैं लोगों को, जिसमें हमारे मेंटर्स हैं। तो जितनी भी इंडस्ट्रीज आपने सुनी होगी, ठीक है, मशीन लर्निंग, डेटा इंजीनियर, ठीक है, ये सारे इंडस्ट्री और ऑलरेडी आई टी में काम करते हैं और ऑलरेडी अपने ऑफिस में काम करते हैं, डिवाइडिंग इंडिया में बेसिकली मेंटर का काम करते हैं ताकि आप जैसे बच्चों को मेंटर कर सकें, ठीक है। ये कुछ पिक्चर्स हैं यार जब हम कॉलेजेस में जाके चीज़ों को देते हैं, ठीक है, और ये बच्चे खुद ही करते हैं, ठीक है, हमें जाने की जरूरत नहीं, उनके साथ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये सर्विसेज हैं, कुछ सर्विसेज को हम डायरेक्टली पढ़ाते ही नहीं हैं, ठीक है, हम प्रोडक्ट्स भी डेवलप करते हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट्स के पीछे आप लोग ही होते हो, जो इंटर्न्स होते हैं वही प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं, रियल इंडस्ट्री में काम होता है। बेसिकली सॉफ्टवेयर भी हम बनाते हैं, हार्डवेयर भी बनाते हैं, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स है, बेसिकली हम रिसर्च के लिए इन्वाइट करते हैं, हमारे जो दो तीन ऑफिसेज हैं हम उन ऑफिसेज में इन्वाइट करते हैं बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, आके आप दो महीना तीन महीना रेगुलर काम कर सकते हो, और अगर आपके दिमाग में कोई रिसर्च आइडिया है तो आप हमारे कॉम्पोनेंट्स यूज करके उसे इलैबोरेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पूछा है यार, जैसे कि किस तरीके से किसी बच्चे को आता है हमारे पास, किस तरीके से काम है, ठीक है, बाकी ये मुख्य आपके टॉपिक्स है जिसको हम देखेंगे हमारी इंडस्ट्री किससे करती है, ठीक है, एंड देन ये बाकी आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर जा सकते हो। नाउ मूविंग टू हमारा जो टेक्नोलॉजी है ड्रोन टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर आपको कॉम्पोनेंट्स देखना है, ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जैक्टली ड्रोन क्या है, ठीक है, कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स यूज होते हैं, कॉम्पोनेंट्स के फीचर्स क्या है और कौन कौन से टाइप्स हैं। एनी क्वेश्चन, ठीक है, सरप्राइजिंग चेहरे मत रखना, क्वेश्चन पूछना, ठीक है, दिमाग में कोई डाउट हो, ठीक है, हम ड्रोन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, और ड्रोन में आपको कुछ भी समझ में नहीं आए, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है जब हम बातें करते हैं ना तो उनमें कुछ कीवर्ड्स छुपे होते हैं, ठीक है, कीवर्ड्स मत समझते हो, ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि क्या बोलूँ कंप्यूटर, लैपटॉप, ठीक है, पेन, ये सब क्या है, कीवर्ड्स हैं, ठीक है, अगर आप कोई सेंटेंस फॉर्म करते हो या मैं चेयर को लेके जाऊँगा, ठीक है, तो मैं लेके जाऊँगा, ये सारा क्या है, ये सब सेंटेंस फॉर्म करता है, ये समझ में आता है, बट इसमें छुप छुपा हुआ कीवर्ड क्या था, चेयर का, बट चेयर का हमारे दिमाग में इमेज बन जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे ही हमारे दिमाग में कोई चीज़ का इमेज बन जाता है हमें वो चीज़ समझ में आ जाती है, ठीक है, बट अगर कोई चीज़ का आपके दिमाग में इमेज नहीं बन रही जब मैं जब सब आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इमेज नहीं बन रही तो आप प्लीज़ आस्क करो कि सर मुझे ये इमेज ही नहीं बन रही मेरे दिमाग में, क्या ही समझ में आएगा, ठीक है। तो हमारा ब्रेन प्रोसेस ऐसे ही करता है, जब तक इमेज नहीं बनेगी तब तक चीज़ समझ में नहीं आएगी। ड्रोन का सिंपल हम लोग का डेफिनेशन है
ड्रोन इज एन यूएवी। यूएवी का मतलब किसको किसको होता है? यूएवी का मतलब होता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ठीक, मतलब ड्रोन में कोई आदमी नहीं बैठता उसको चलाने के लिए, वो हम लोग ऑपरेट करते हैं एक ग्राउंड स्टेशन पे बैठ के। सिंपल ड्रोन का डेफिनेशन है, ड्रोन इज एन अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसको हम लोग ग्राउंड स्टेशन से या किसी भी अदर रिमोटली उसको हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग अभी यही चीज सीखने वाले हैं, देखिए कि ड्रोन को बनाते कैसे हैं, उसके यूजेस क्या क्या हैं, उसको उसके सेक्टर्स क्या क्या हैं, और हम लोग इसमें करियर बिल्डिंग कैसे कर सकते हैं, मतलब ड्रोन को लेकर हम लोग अपना फ्यूचर कैसे देख सकते हैं। ओके, तो सबको क्लियर है कि ड्रोन का हम लोग क्या सीखने वाले हैं? अभी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रोन, कंपोनेंट्स ऑफ ड्रोन एंड सॉफ्टवेयर ट्यूरिंग। आज का हम लोग ये तीन टॉपिक है जो हम लोग आज कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रोन, ड्रोन क्या है ये मैंने आपको बता दिया। ड्रोन इज एन यूएवी। यूजेस ऑफ ड्रोन इन डिफरेंट सेक्टर, ड्रोन के बहुत बड़े बड़े सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर हो गया। तो अच्छा ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूं, कोई बता ड्रोन के सेक्टर्स क्या क्या हैं, ड्रोन को हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? शादी विवाह में यूज करते हैं, और जिसमें हम लोग जो डिलीवरी ड्रोन्स के बारे में आप जानते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह से अमेजोन भी इंडिया में अपना डिलीवरी ड्रोन स्टार्ट करने वाला है, तो उसको हम लोग इन्वेंटरी पर्पस टैग, मेडिकल सर्विसेज हो गया, और फिर मिलिट्री ऑपरेशंस हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें हम लोग ड्रोन्स यूज कर रहे हैं। बट अभी हम लोग जो सीखने वाले हैं वो है बेसिक्स ऑफ ड्रोन्स, की एक बेसिक ड्रोन कैसे बनता है, उसका क्या क्या एल्गोरिदम्स होता है, उसको कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे फ्लाई करते हैं, ये सब चीज़ अभी हम लोग सीखने वाले हैं। ओके, अब हम लोग कितने टाइप्स के ड्रोन्स होते हैं ये देखते हैं। ठीक है, ये सब हो गया, कहते हैं कि किस किस चीज़ में हम लोग ड्रोन्स का यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ कुछ ऐसे बहुत सारे होते हैं, मैं कुछ कुछ हमने यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया है जो मेन मेन चीज़ों में हम लोग ड्रोन्स का यूज़ करते हैं। हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ ड्रोन्स का। सर जी, सर एग्रीकल्चर में ड्रोन कैसे यूज़? हाँ, एग्रीकल्चर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला कि पेस्टिसाइड्स छिड़कना, ड्रोन सब बहुत ज़्यादा यूज हो रहे हैं एग्रीकल्चर में, फार्म्स में, बहुत सारे जगह में, क्योंकि वो दवाई मेट और जितना भी सारे सैनिटाइजर वगैरह होते हैं ना जो पौधों में डाले जाते हैं, वो सब स्प्रे करने के लिए। ठीक, उसके बाद क्रॉप मैनेजमेंट। क्रॉप मैनेजमेंट में क्या होता है कि जब एकर्स और एकर्स ऑफ लैंड होते हैं तो उसको मैनुअली कोई नाप नहीं सकता है, यहाँ यहाँ से हम चल के गए इसको नाप के लिए, इतने का है, इतने लिखा गया, ऐसे नहीं होता। उसके लिए हम लोग ड्रोन्स यूज़ करते हैं, आज की टेक्नोलॉजी में बता रहा हूँ, उसमें ड्रोन्स यूज़ करते हैं। ड्रोन्स होता है पूरे फील्ड का एक डिजिटल मैपिंग बना लेता है, क्योंकि ये इतना बड़ा फील्ड है और यहाँ पर हम लोग को ये पेस्टिसाइड छिड़कना है, यहाँ पर हम लोग को ये काम है। क्रॉप मैपिंग, एग्रीकल्चर में हम लोग का तीन सेक्टर है, एक सबसे पहला पेस्टिसाइड स्प्रेइंग, क्रॉप मैपिंग हो गया, और इन्वेंट्री मैपिंग हो गया। ये तीन हम लोग का एग्रीकल्चर में हम लोग का काम होता है ड्रोन्स को लेकर। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ ड्रोन्स। और किसी को कोई क्वेश्चन है? किसी को कोई क्वेश्चन? टाइप्स ऑफ ड्रोन्स, बेसिक टाइप ऑफ ड्रोन जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है क्वाड कॉप्टर। ड्रोन का क्या होता है सर? प्रोग्रामिंग करते हैं सर, करते हैं। एक बार बताइए, मैंने क्या बोला था कि आपकी इमेज बननी चाहिए, उससे डर लगता है? डरने वाली कोई बात नहीं है, एक टाइम हम भी थे आपके जगह, हमने भी सीखा, हमने भी आवाज़ उठाया, तब जाके हम यहाँ खड़े, हम भी चाहेंगे कि आप हमसे भी आगे बढ़े। तो जब भी कुछ आपको लगेगा कि हाँ पूछना है तो बिल्कुल पूछो, गलत भी पूछे तो ऐसा कोई नहीं है, हम यही हंसने वाला नहीं है। हम जैसे मैंने बताया बहुत बड़े बड़े फील्ड्स होते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग को बहुत सारे पेस्टिसाइड्स छिड़कने पड़ते हैं, और फिर जितने भी जैसे कि हार्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया,
ड्रोन क्या करता है ना, ड्रोन पूरे एरिया में, जैसे यहाँ टाइल्स बने हुए हैं ना, ड्रोन ऐसे ही पूरे फील्ड को ना ऐसे एक एक पोर्शन पे डिवाइड कर देता है अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू, ठीक। और हर एक प्लॉट का एक अपना डेजिग्नेशन आईपी एड्रेस डिसाइड होता है, ठीक। ऐसे करके जितना भी एकड़ का लैंड रहेगा ना, वो एकड़ का लैंड डिवाइड हो जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में ड्रोन के सिस्टम पर, ठीक। इसी इससे ड्रोन ईजीली पेस्टिसाइड्स छिड़क सकता है अपने सारे क्रॉप्स पे, ठीक। जो भी छिड़कना है, पेस्टिसाइड्स हो गया, दवा हो गया, जो हो गया छिड़कना है, या फिर उसका मैपिंग करके उसका एरिया निकालना है, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे क्रॉप मैपिंग, ठीक है। क्रॉप मैपिंग कहते हैं, बट इसमें हम लोग पूरा एरिया का मैपिंग भी आ जाता है। तो मैपिंग मतलब उसका चार्ट बनाना है डिजिटली, फोटो सिंपल फोटो बनाना, क्रॉप करना, हाँ एक तरह से डिजिटल होता है, सारा डिजिटल होता है, सारा 3D होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें हम लोग ड्रोन को यूज़ करते हैं। सबसे वास्टली यूज़ होता है हम लोग का एग्रीकल्चर में, उससे भी बड़े बड़े चीज़ों में यूज़ होता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ें होते हैं। धीरे धीरे हम सबके बारे में जानेंगे, पहले हम देखते हैं कितने टाइप्स के ड्रोन होते हैं। हाँ बोलिए सर, PLC का यूज़ है। हाँ PLC का यूज़ है। हाँ ठीक है। अब जैसे कि कोई भी ड्रोन होता है, ठीक है, जब वो ड्रोन ओपन सोर्स होता है, ठीक है, तो वो सब प्री प्रोग्राम आता है। हम लोग को उसमें डेटा फीड करना पड़ता है, हम लोग को उसके एल्गोरिथम फीड करना पड़ता है। जब कोई आप जब अपना कोई स्क्रैच ड्रोन बनाएंगे ना, जब उसमें फ्लाइट कंट्रोलर आप बनाएंगे, उसका उसका सारा सिस्टम माइक्रो कंट्रोलर आप खुद से बनाएंगे, तब आपको उसमें प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, ठीक। बट जब आप कहीं से प्री प्रोग्राम फ्लाइट कंट्रोलर ले रहे हैं, सिस्टम ले रहे हैं, तो उसको आपको प्रोग्राम नहीं करना पड़ता, उसको आपको उसका टास्क डिजाइन करना पड़ता है, उसको कैलिब्रेट और उसका एल्गोरिथम सेट करना पड़ता है। एग्रीकल्चर ड्रोन में भी यही होता है, उसका मैपिंग करना पड़ेगा, जो हम आपको दिखाएंगे कुछ देर में, जब हम लोग का ये लास्ट वाले पॉइंट पर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे किसी ड्रोन को सेट करके उसका मैपिंग और उसका पाथ। टाइप्स ऑफ ड्रोन्स, क्वाड कॉप्टर से आप क्या समझते हैं? क्वाड कॉप्टर से आप क्या समझते हैं? क्वाड कॉप्टर से फोर विंग्स, जैसे आप देख सकते हैं, ये है क्वाड कॉप्टर हो गया, वो भी क्वाड कॉप्टर हो गया, हर तरह का क्वाड कॉप्टर होता है। जो भी ड्रोन में चार आर्म्स होता है, फोर आर्म्स, उसके फ्रेम में चार आर्म्स होगा, उसको क्वाड कॉप्टर बोलेंगे। क्वाड मतलब फोर, कॉप्टर मतलब समझ ही रहे हैं, ड्रोन, ठीक। हेक्साकॉप्टर, अब तो सबको समझ गया होगा, इतना तो लॉजिक हो गया सबके पास। हेक्साकॉप्टर में सिक्स होगा, ऑक्टाकॉप्टर आठ, जैसे ये ऑक्टाकॉप्टर होगा, इसमें इतना विंग्स की, इतना प्रॉप, इतना आर्म्स क्यों है? क्वाड कॉप्टर में सिर्फ चार क्यों है, कोई बता सकता है? पेलोड पे हम लोग इसमें इतना विंग्स इसलिए यूज करते हैं ना, ठीक है, हम लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पेलोड आ सकते हैं। एक नॉर्मल क्वाड कॉप्टर आराम से 10 से लेकर 40 किलो तक वेट उठा सकता है, एक नॉर्मल क्वाड कॉप्टर जो अभी मार्केट में अवेलेबल है मैनुफैक्चरिंग के। ट्राईकॉप्टर बहुत रेयर दिखता है ऐसा ड्रोन, बट होता है, तो इसको हम लोग ज़्यादा, ठीक, हाँ इसका ज़्यादा यूज करने होता है, जैसा पान को हमारे लिए ड्रोन है, ठीक है। एक था वाई सिक्स से क्या समझते हैं आप लोग? वाई सिक्स और सिक्स की वर्ष ऊपर भी एक मोटर लगा हुआ, नीचे भी और एक ट्राईकॉप्टर का फ्रेम, ठीक। Y6 हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि वाई शेप है और इसमें 6 मोटर्स लगे हैं। ये हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं हेवी पेलोड में और कहीं पर फास्ट मैन्युवरेबिलिटी में, मतलब अगर हमको पॉइंट ए से पॉइंट बी में बहुत जल्दी जाना है, ठीक, और मेरे पास अच्छा खासा पेलोड है, तब हम लोग इस ड्रोन का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका थ्रस्ट और इसका स्पीड, इसका एफिशिएंसी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर ड्रोन। ये ज़्यादातर हम लोग का मेडिकल लाइन में ये ड्रोन का यूज़ किया जाता है। इसी से सिमिलर रिकॉर्ड ड्रोन है X8, वो वाला फोटो नहीं है, थोड़ा डिस्प्लेस हो गया, ये वाला ड्रोन है। ये आपका क्वाड कॉप्टर का फ्रेम है ना, इसमें चार दो मोटर लगे हुए हैं, आठ मोटर होता है, इसलिए हम लोग इसको X8 बोलेंगे। इसका भी सेम वही पर्पस है जो Y6 का होता है, बट ये ज़्यादा रिलायबल है, Y6 है, ज़्यादा पेलोड उठा सकता है, ज़्यादा देर तक फ्लाई कर सकता है, ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकता है और ज़्यादा स्पीड रोक सकता है।
ये सब ये जो Y6 और X7 है ये सब ड्रोन्स को हम लोग ज़्यादा इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मेडिकल लाइन्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में हम लोग ये ड्रोन्स को ज़्यादा यूज करते हैं क्योंकि लोग का एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होता है। ओके क्लियर। तो आप लोग ये सब पॉइंट्स लिख लें कि कितने टाइप्स का ड्रोन्स होते हैं क्योंकि आप लोग को पूरी तरह पूछा जा सकता है। मोटर लाएंगे हम लोग उसके बाद, बट मैं आपको बता दूँ हर ड्रोन में अलग टाइप का मोटर लगा रहता है डिपेंड अपॉन एक हम लोग किस टाइप का ड्रोन यूज करते हैं। जैसे ये मोटर है, ये ब्रशलेस मोटर, ये 1000 KV का 1000 KV का मोटर है। तो ये एक मोटर 200 से 400-500 किलो तक का थ्रस्ट देता होगा, 500 ग्राम का थ्रस्ट देता होगा। तो ऐसे करके और एफिशिएंट वाले और ज़्यादा पावर और थ्रस्ट देने वाले मोटर आते हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये बहुत यूनिक सा ड्रोन है। अब ड्रोन से ऐसा नहीं है कि हाँ 4 होगा 3 इडियट्स जैसे उड़ाया हुआ ड्रोन होता है, ठीक है। जो भी अनमैन्ड व्हीकल होता है हवा में जो होता है बिना किसी आदमी बैठा के उसको ड्रोन कहते हैं, चाहे वो प्लेन हो चाहे वो हेलीकॉप्टर हो जो बिना आदमी के उड़ रहा है उसको हम लोग ड्रोन कहते हैं। ये एक है एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइप का ड्रोन है जिसको हम लोग बोलते हैं वीटो। वीटो इसको क्यों बोलते हैं कोई बता सकता है? वी स्टैंड्स फॉर वर्टिकल, हमेशा इस वीटो ड्रोन में वी स्टैंड्स फॉर वर्टिकल टोन टेक ऑफ। ये ऐसा ड्रोन जो वर्टिकल टेक ऑफ करता है बट उड़ता है प्लेन की तरफ। देखिए आप लोग देख सकते हैं ये सब मोटर्स है ये उसको वर्टिकल टेक ऑफ करेंगे बट ये विंग लगा हुआ है जो उसको प्लेन की तरफ लाइक करता है। इस ड्रोन का क्या ये है कि जितने भी हम लोग का आर्मी में हो गया या फिर जहाँ लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना रहे ठीक या फिर बम गिराना रहे जैसे आज वहाँ पे बता लेते हैं बम गिराना है ये सब ड्रोन हम लोग का यूज हो सकता है, ठीक है। ये सब हाँ बोला ना ये उठता है प्लेन की प्लेन का जितना ज़्यादा विंग स्पैन होगा वो उतना अच्छे से बाइक करने लगेगा, छोटा विंग स्पैन जो करेगा हमेशा उसमें